हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम में से लगभग सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट से जानकारी आसानी से हासिल हो जाती है और इसके लिए हम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं। हम हर दिन हजारों चीजें इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं और इसी तरह हम दुनिया भर में हो रही खबरों को भी जान पाते हैं। लेकिन केवल इंटरनेट की मदद से ही आप जानकारी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ने के बाद हमें एक ऐसे माध्यम की जरूरत होती है जिसके जरिए हम अपने सवाल को लिखकर सर्च कर पाते हैं और उस माध्यम को वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर के बिना इंटरनेट आपको जानकारी देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए आज क्विक सपोर्ट आप सभी के लिए वेब ब्राउजर से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत क्यों होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है। वेब ब्राउजर वो जरिया है जो वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद वेबसाइट्स पर मिलने वाले किसी भी तरह की जानकारी, जैसे आर्टिकल, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक आदि चीजों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर जो कुछ भी पढ़ते या सर्च करते हैं वो सभी वेबसाइट के वेब पेजेस में मौजूद होता है और कंप्यूटर की भाषा में HTML लिखा जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसके कोड को लिखकर वेब पेजेस बनाया गया रहता है। HTML का प्रयोग वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करने में किया जाता है। जब हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर कोई सवाल लिखकर सर्च करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमें अनगिनत वेब पेजेस में से हमारे द्वारा ढूंढे जाने वाले जानकारी को हमारे डिवाइस की स्क्रीन पर दिखा देता है। उसके बाद हमें वो जानकारी मिल जाती है। वेब ब्राउजर हर कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल रहता है। जब हमारा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तब ये वेब ब्राउजर काम करना शुरू करता है। इंटरनेट और वेब ब्राउजर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना इंटरनेट के ना हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बिना वेब ब्राउजर के इंटरनेट हमारे किसी काम आ सकता है। और अब हम जानेंगे दोस्तों, वेब ब्राउजर का इतिहास क्या है। वेब ब्राउजर के शब्द से ही हम इसके बारे में जान सकते हैं। वेब का मतलब होता है जाल, जिसे कंप्यूटर की भाषा में इंटरनेट का नाम दिया गया है, और ब्राउजर का मतलब होता है ढूंढना। तो इस शब्द का पूरा मतलब है इंटरनेट की दुनिया में जाकर किसी विषय के बारे में ढूंढना। दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोगों को हर चीज का ज्ञान मिले, इसके लिए वेब ब्राउजर को बनाया गया है। वेब ब्राउजर कंप्यूटर्स में तब से मौजूद है जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। सन 1990 में जब टिम बर्नर्स-ली कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के तरीके पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने इस कार्य को हाइपरलिंक के द्वारा आसान कर दिया। हाइपरलिंक HTML लैंग्वेज की एक कमांड होती है, जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस में लिखे हुए टेक्स्ट में किया जाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट का वह भाग होता है जिसमें अन्य किसी वेब पेज का पता दिया होता है। उस लिंक पर क्लिक करने पर ब्राउजर हमें दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। टिम बर्नर-ली ने कंप्यूटर पर मौजूद डेटा या इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर पर पाने के लिए HTML लैंग्वेज का निर्माण किया था। HTML को स्पेशल कमांड्स में लिखा जाता है जो दूसरे प्रोग्रामिंग भाषाओं से बिल्कुल अलग और आसान होता है। इन स्पेशल कमांड्स को HTML टैग्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं टैग्स का उपयोग कर वेब पेजेस बनाए जाते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि इन टैग्स को हर कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो HTML टैग्स को पढ़कर यूजर्स के सामने योग्य भाषा में इन्फॉर्मेशन दिखा सके। इस सॉफ्टवेयर को ब्राउजर का नाम दिया गया, जिसे वेब ब्राउजर भी कहा जाता है। दुनिया के पहले वेब ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसे बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। सन 1993 में मोज़ेक नाम का एक नया वेब ब्राउजर मार्क एंड्रूज़ीन और उनकी टीम द्वारा बनाया गया था। यह उस समय का पहला ऐसा ब्राउजर था जो टेक्स्ट और इमेज को एक साथ डिवाइस स्क्रीन पर दिखा सकता था। इस नए फीचर की वजह से मोज़ेक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों ने करना शुरू कर दिया था। उसके अगले ही साल 1994 में मार्क एंड्रूज़ीन ने मोज़ेक पर आधारित खुद से ही एक और वेब ब्राउजर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने नेटस्केप नेविगेटर दिया। इस वेब ब्राउजर के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ये दुनिया भर के 90% इंटरनेट यूजर्स के कंप्यूटर डिवाइसेस में पहुंच चुका था। 1995 में नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक वेब ब्राउजर लॉन्च किया, जो विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज के साथ ही मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया था। मुफ्त में इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही थी, इसीलिए नेटस्केप नेविगेटर को पैसे देकर इस्तेमाल करने की गलती किसी ने नहीं की।
इसीलिए इसी कारण से Netscape Navigator वेब ब्राउजर की दुनिया से चला गया। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे बड़े बड़े वेब ब्राउजर नए नए फीचर्स के साथ बनाए गए, जैसे कि Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, UC ब्राउजर इत्यादि। इन सभी वेब ब्राउजर ने लोगों के डिवाइसेस में अपनी खास जगह बनाई है। इन वेब ब्राउजर्स में छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन इन सभी का काम इंटरनेट सर्फिंग करना ही है। एक कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस में एक से ज्यादा वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब जानते हैं दोस्तों, वेब ब्राउजर काम कैसे करता है। वेब ब्राउजर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। जब हम कोई जानकारी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तब ब्राउजर उस जानकारी को दिखने के लिए वेबसाइट्स का वो लिस्ट तैयार करता है जिसमें यूजर द्वारा पूछी गई जानकारी उपलब्ध रहती है। जब यूजर उस लिस्ट में से किसी एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है, तो ब्राउजर उस वेबसाइट के सर्वर से कॉन्टेक्ट करके रिक्वेस्टेड फाइल्स को लाकर यूजर्स के डिवाइस स्क्रीन पर दिखा देता है। यहाँ यूजर का डिवाइस एक क्लाइंट के रूप में काम करता है और वेबसाइट सर्वर के रूप में काम करता है, जो जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट पर मौजूद सभी तरह के डेटा और इन्फॉर्मेशन को यूजर के कंप्यूटर स्क्रीन पर लाने का काम करता है। ये सभी डेटा कंप्यूटर की भाषा में लिखी हुई रहती है, जिसे HTML कहते हैं। HTML भाषा को वेब ब्राउजर आसानी से समझ लेता है और इस भाषा को ट्रांसलेट करता है और यूजर द्वारा रिक्वेस्टेड डेटा को स्क्रीन पर ला देता है, ताकि इंटरनेट यूजर आसानी से कंटेंट्स को पढ़ सके। इंटरनेट से डेटा को लाने के लिए अलग अलग प्रकार के रूल का पालन करना पड़ता है। इन रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। HTML में HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्राउजर को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। HTTP वेब सर्वर्स को बताता है कि कैसे वेब पेज के कंटेंट्स को फॉर्मेट कर यूजर तक पहुंचाना है। HTTP की मदद से क्लाइंट्स और सर्वर्स को एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति मिलती है। इंटरनेट पर मौजूद जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं, जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस को अपने पास रखते हैं, वो सभी HTTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। तभी जाकर ब्राउजर्स उनसे जुड़कर सारी जानकारी यूजर्स को आसानी से दे पाते हैं। जब कोई यूजर ब्राउजर विंडोज के एड्रेस बार पर एक वेब एड्रेस डालता है, जैसे www.facebook.com, तब सबसे पहले ब्राउजर DNS डोमेन नेम सर्वर से इंटरेक्ट करता है। यहाँ पर दिए गए उदाहरण में डोमेन नेम facebook.com है। DNS सर्वर में डोमेन नेम यानी facebook.com से जुड़े वेब ब्राउजर का IP एड्रेस रहता है। IP एड्रेस एक वेब सर्वर का एड्रेस है, जहाँ रिक्वेस्ट किए गए वेब पेजेस स्टोर होकर रहते हैं। DNS सर्वर वेब ब्राउजर को ये IP एड्रेस देता है। उसके बाद ब्राउजर ये एड्रेस वेब सर्वर को भेज देता है। एड्रेस देने के बाद ब्राउजर उस वेब सर्वर के साथ जुड़ जाता है, जहां फेसबुक का सारा डेटा मौजूद रहता है। वहां से ब्राउजर रिक्वेस्टेड वेब पेज को निकालकर यूजर के स्क्रीन पर सारी जानकारी दिखा देता है, और इस तरह एक यूजर को सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से वेब ब्राउजर क्या है और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए, अभी मुझे दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।